इससे भी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सभी लोग जानते हैं। और दूसरा चीज़ कि पत्रकार का गलती क्या था, पत्रकार मायना है, वो पूरे देश को, समाज को, जो हो रहा है इस प्रदेश में, इस जिला में, उसको एक आईना समझिए कि आम लोग तक पहुंचता है। और उस दिन में हमको लग रहा वही हो रहा होगा। तो देखिए, सरकार फेलियोर है, वो अपना कमी को छुपाने के लिए अपना जो दोष है उसको नहीं बताना चाहती है। और निश्चित तौर पे जिस तरीका से 12 टीचर के साथ दमनकारी तरीका से जो व्यवहार हुआ, मैंने आतंकवादी उग्रवादी टाइप का उसको मारा गया, तो निश्चित तौर पे उसको लग रहा था कि आप लोग दिखाइएगा और उससे उसका असली चेहरा आम लोगों तक आएगा। हमको लग रहा है कि इसी विषय को लेके उनको लगा कि देखिए ये अभी गुमान में चूर है। जहाँ तक आप समझिए, राजा अगर अहंकारी हो जाए तो दो ही चीज़ होता है, या तो राजकांत होता है या वो राजाकांत होता है। तो बहुत जल्दी आपको नहीं सामने वाला भी है, कोई ना कोई कांत जरूर हो जाए। और अहंकार में उनको ना पत्रकार दिख रहा है, ना लोकतंत्र दिख रहा है, ना आम लोग दिख रहा है, ना पार्टी। पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स हो गया, आंदोलन में चले गए वो लोग, शिक्षा व्यवस्था बंद। वो कहाँ पढ़ा रहे हैं? सरकारी विद्यालय में। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ रहा है? इस राज्य का जो सबसे गरीब लोग है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। मैंने ये नहीं चाह रहा है कि सरकारी विद्यालय में गरीब पढ़े। और अगर आप सच दिखाना चाह रहे हैं तो आपके साथ भी वही पार्क टीचर वाला काम कर दिया। तो निश्चित तौर पे इसका जांच भी होना चाहिए और दोषी को सजा भी होना चाहिए। और इस डायरेक्ट सरकार के इशारे पर, इस पर आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। ये सरकार का फेलियोर है, सरकार का आई भी फेलियोर है, सरकार का जो विजिलेंस है वो फेलियोर है। और जिस तरीका से पार्क टीचर के साथ हुआ, पत्रकारों के साथ हुआ, निश्चित तौर पर निंदा इसका नहीं हो, इस पर कार्रवाई हो। आई राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। स्थापना दिवस कितना सब हुआ है या कितना निंदनीय आप लोग मान करके चल रहे हैं? पत्रकारों पे हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, चाहे किसी की भी सरकार हो। पत्रकारों पे हमला और पारा शिक्षकों पे हमला, जो कि सबको समाज में शिक्षा देने का काम करते हैं, एक सामाजिक संगठन में होने के नाते में ये मुझे बहुत दुख है कि पारा शिक्षकों पर और पत्रकारों पर हमला हुआ। ये लोकतंत्र पे हमला है और ये इस घटना को किसी भी तरह टाला जा सकता था। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि सारे सरकारी मशीनरीज पूरी फेल थी, जैसे कि आपको आईबी सारी सब रिपोर्ट रहती है इनको सारी, या तो इनके पास रिपोर्ट नहीं थी, तो रिपोर्ट नहीं थी तो आपको ये फेलियर था। और अगर रिपोर्ट रहने के बाद में भी समझिए कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो सरकार किसी की भी हो, ये आप निंदा की पात्र है। इसमें तो लाइन का चीज ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। मंदिर निंदनीय तो मतलब कि जो है ये पत्रकार पे, शिक्षक पे जो भी घटना हुई है, मारपीट हुई है, बहुत मतलब काला दिवस के रूप में मनाया जाए इसको। आज तक 70 साल देश आज़ाद होने के बाद ये पहला घटना है जो ये बीजेपी सरकार ने पत्रकार को, शिक्षक को मारने के सिवाय और कुछ नहीं दिया है, मारने के सिवाय कुछ नहीं दिया। एक ऐतिहासिक दिन था और उसको लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य कार्यक्रम यहाँ मोरापति मैदान में, वहाँ पर अचानक 12 शिक्षकों का जो मामला है, उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किए। और जो घटना घटी उसमें पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, एक अलग मैटर है। लेकिन उसमें पत्रकार जो सरकार के इस कार्यक्रम में सरकार के निमंत्रण पर मोराबादी गए थे, वो अपना कवरेज कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, और अचानक 12 शिक्षकों का जो खींच है वो अचानक पत्रकारों पर टूट पड़ा, पत्रकारों पर लाठियां बरसाने शुरू हुई। जो जिन पत्रकारों के पास कैमरे थे उसको देख देख करके, चिन्हित करके उस पर लाठियाँ बरसाई गई। इससे बहुत सारे हमारे पत्रकार जो है वो घायल हो गए, उसमें से 4-5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और दर्जनों को चोटें आई। तो पुलिस की ये बर्बरता कार्रवाई वो एक समझ से परे है कि आखिरकार मीडिया वालों का क्या दोष? आपके निमंत्रण पर हम लोगों ने उसको कवरेज करने के लिए हम लोग गए हुए थे, वो कवरेज कर रहे थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और अचानक से उन लोगों का
कैमरा जिनके हाथों में था उसको देख करके उस पर लाठी चार्ज करना, ये एकदम कह लें कि एक क्रूर जो चेहरा है जो पुलिस प्रशासन का वो सामने आया, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम। तो आगे आप लोग क्या कर सकते हैं? इसके बाद फिर हम लोग जब ये कार्रवाई हुई उसके बाद हम लोग बैठे आपातकालीन एक बैठक हम लोगों की हुई प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब में फिर सारे पत्रकार जुटे और हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई जो भी पदाधिकारी मौजूद थे जिनके इशारों पर पुलिस लाठी चार्ज हुआ ऐसे तो नहीं होगा कि पत्रकारों पर पुलिस लाठी चार्ज की, और पत्रकारों से न सिर्फ मतलब हम लोगों को कैमरा करके देखा बल्कि उनका कैमरा छीन करके जो फोटो उन लोगों ने लिया था उसको डिलीट कर दिया। तो ये अधिकार पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि भाई उसके कैमरे को छीन करके और उसको उसका चिप निकाल करके उसको डिलीट कर दिया। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि भाई जो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की छोटे हाँ तो वैसे जो भी दोषी पुलिस करती है अधिकारी सभी पर कार्रवाई हो, और उसको लेकर के हम लोगों ने अभी हम लोग जा रहे हैं गवर्नर के पास, उनसे मिलेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जो भी तुम्हारी पुलिस करके इस पर तक